क्या आपको कोई भी फ्लाइंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना चाहिए बिफोर यू अप्लाई फॉर अ कैबिन क्रू जॉब आपको लेस पहनना अलाउड होता है डोमेस्टिक एयरलाइंस में बट दे डू नॉट अलाउ यू टू वेयर द क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं बिफोर यू अप्लाई फॉर एन इंटरव्यू और बिफोर यू गो फॉर एन इंटरव्यू तो क्या हम मेरा पासपोर्ट के इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं नो विजिबल विजिबिलेटूज नेक्स्ट है no हाइट क्राइटेरिया

सो so, अगर अभी तक आपको नहीं पता है कि कैबिन क्रू बनने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए होते, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है तो कोई बात नहीं आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपको एंड में सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे आपको सब चीज में क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको इस वीडियो के थ्रू एक बेसिक नॉलेज भी मिलेगी सो so, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है आपकी एज अगर आप किसी भी डोमेस्टिक एयरलाइन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम एटीन और आप 18 से 27 के विंडो में अप्लाई कर सकते हो किसी भी डोमेस्टिक एयरलाइन में अगर आप किसी भी इंटरनेशनल

बट अगर आप डोमेस्टिक में अप्लाई कर रहे हो तो अंडरस्टैंड वन थिंग जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है वो इंटरनेशनल भी फ्लाई करती हैं तो आपको बाद में रिक्वायरमेंट होगी ही पासपोर्ट की तो आप किसी भी इंटरव्यू को देने से पहले आप एक पासपोर्ट अप्लाई कर लो अगर आपके पास उसकी हार्ड कॉपी भी नहीं है तो आपके पास एक यूनिक नंबर होगा पासपोर्ट का वो आप इंटरव्यू के टाइम पे प्रोवाइड कर सकते हो बिकॉज इफ यू गेट सिलेक्टेड एज अ कैबिन क्रू तो आपके पास तीन महीने का टाइम होगा बिकॉज जो ट्रेनिंग है वो तीन महीने चलती है तो उस पीरियड में आपका पासपोर्ट आ जाएगा वो ऑफिस में देख सकते हैं तो अगर अभी तक आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज जाके अपने पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन डाल दीजिए थर्ड है क्वालिफिकेशन तो आप ट्वेल्थ पास होने चाहिए किसी भी सर्टिफाइड बोर्ड से आपके पास 10th और दोनों की मार्कशीट अवेलेबल होनी चाहिए फोर्थ है बीएमआई तो बीएमआई होता है आपका वेट इज प्रोपोर्शन टू योर हाइट आपका बीएमआई कंट्रोल में होना चाहिए जो उसके लिए विंडो होती है 18 से 22 के बीच में अगर आपको नहीं पता कि बीएमआई कैसे फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए काफी कैलकुलेटर आते हैं जो आप अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या फिर गूगल पे जाके भी आप अपना बीएमआई देख सकते हो आराम से एंड उसके थ्रू यू विल गेट टू नो कि आप उस बीएमआई के अंडर फॉल्ट करते हो कि नहीं नेक्स्ट है हाइट क्राइटेरिया तो काफी एयरलाइंस में हाइट क्राइटेरिया वेरी करता है बट डोमेस्टिक में जो फीमेल के लिए है दैट इज 155 सेंटीमीटर सेंटीमीटर बट इंटरनेशनल में 160 रिक्वायर्ड होती है एंड मेल के लिए इट्स 170 सेंटीमीटर नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नो विजिबल टैटूज तो आपका ये जो पार्ट है वो विजिबल होता है यो हैंड Leg, face. यहां पे आपके टैटू नहीं होना चाहिए इट्स अ एयरलाइन में प्रोसीजर तो तो क्या तरीका है नेक्स्ट है विजन रिक्वायरमेंट तो आपका जो विजन है इट शुड बी सिक्स बाय सिक्स आपको लेंसेज पहनना अलाउड होता है डोमेस्टिक एयरलाइंस में बट दे डू नॉट अलाउ यू टू द स्पेक्स जिस इंटरनेशनल एयरलाइन में मैं फ्लाई कर थी वहाँ पे स्पेक्ट्स पहनना अलाउड था बट डोमेस्टिक में स्पेक्स पहनना अलाउड नहीं है सो so, जब इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल राउंड होता है वहां पे आपका आई टेस्ट भी होता है तो आप लेंस पहन के वो टेस्ट दे सकते हो तो आपको वहां पे कुछ भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है आप उनको बता दो कि आप कितनी पावर है बट दैट इज फाइन विद देम क्योंकि वो मेडिकल राउंड क्लियर करना जरूरी है तो अगर आप लेंस पहन के जाते हो दैट विल वर्क इन योर फेवर नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज रिक्वायरमेंट तो आपको इंग्लिश और हिंदी आनी चाहिए लाइक like अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो दे विल नॉट गिव यू अनदर चांस अगर आपकी हिंदी और इंग्लिश अच्छी नहीं है और अगर आपको कोई थर्ड लैंग्वेज आती है दैट इज चेरी ऑन द केक बट दीज टू लैंग्वेजेस आर मैंडेटरी अगर आपको पता है कि आपका कुछ वीक पॉइंट है तो प्लीज यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट तो ये थे कुछ क्राइटेरिया अगर आप इसमें फॉल करते हो देन बट इसके आगे हमें करना क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ सो फॉर दैट आपका कम्युनिकेशन काफी अच्छा होना चाहिए एज आई सेट बिफोर की आपका हिंदी और इंग्लिश में कमांड अच्छा होना चाहिए और अगर आपको लगता है आप किसी भी सब्जेक्ट में थोड़ा वीक हो आपको हिंदी अच्छे से नहीं आती है देन आप उसके लिए यूट्यू डियोज देख सकते हो या फिर आप बुक्स रीड कर सकते हो यू कैन टॉक टू योर सेल्फ बट यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स बिकॉज अगर इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछे और अगर आप उसका प्रॉपरली आंसर नहीं दे पाए इट कुड बी इन हिंदी और इंग्लिश तो डिपेंड करता है उनके ऊपर बट आपके जो आंसर है बिल्कुल फ्लुएंट होने चाहिए उनमें क्लैरिटी होनी चाहिए सो इफ यू थिंक अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ भी लो पॉइंट है आप उस पर जाके प्लीज काम करो सो यू गाइस कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ अ कैबिन ग्रू ग्रुप सो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो है गुड हेल्थ एंड यूर स्किन अगर आपकी कोई भी स्किन कंडीशन है देन प्लीज आप डॉमेट पर जाके दिखाओ अगर आपको बहुत सारे स्कॉर्स है या पिंपल्स है आप कोई भी स्किन की कंडीशन है देन प्लीज गो एंड सी योर डॉमेट एज Is अगर आपको बहुत स्पॉट्स हैं, अगर आपको है, है, तो पिम्पल्स तो आप को दिखाओ अपनी चाहिए वो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा ऐसा नहीं है उसके लिए आपको क्रैश डाइट्स ये सब करनी है ऐसा कुछ भी मत करना अगर आप ओवर वेट हो बी एम आई के अकॉर्डिंग तो प्लीज ये सब मत करना बट यू कैन ऑलवेज कंसल्ट अ प्रोफेशनल एंड यू नो यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली नेक्स्ट पॉइंट है इज प्रिपेयर योर सीवी आपका जो सीवी है रेज्यूमे है वो हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए यू नो अगर आपको कोई भी कॉल आता है इंटरव्यू के लिए देन यू शुड बी प्रिपेयर विद योर डॉक्यूमेंट सो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एयरलाइंस के वेबसाइट्स को चेक करते रहना है अगर आपको वहां पे कोई वैकेंसीज दिखती है तो यू कैन ऑलवेज अप्लाई थ्रू दैट बिकॉज एयरलाइंस अपने वेबसाइट के थ्रू वैकेंसीज रिलीज करते हैं तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो सो so, दो तरीके के इंटरव्यू होते हैं एक होता है वॉक इन इंटरव्यू एंड द सेकेंड वन इज बाय इन्विटेशन वॉक इन इंटरव्यू में आपको वहां पे वेन्यू लिखा होगा डेट और टाइम लिखा होगा आपको उसके अकॉर्डिंग आप उस वेन्यू पे जाना है उस टाइम फ्रेम में और फिर आप इंटरव्यू दे सकते हो एंड बाय इनविटेशन होता है मैंने कुछ एयरलाइंस में बाय इनविटेशन इंटरव्यू दिया है एंड कुछ में वॉक इन दिया है तो बाय इनविटेशन में आप उनको अपना भेजते हो फिर वो आपके रेज्यूमे को देखते हैं प्रॉपरली एलिजिबल भी हो या नहीं या फिर आप फिट इन करते हो उस रोल में या नहीं फिर वो सब कुछ देखने के बाद आपको एक मेल पर रिवॉर्ड देते हैं और फिर इनवाइट करते हैं टू दैट वेन्यू ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम तो आपको उस टाइम फ्रेम में उस वेन्यू पे जाना होता है बट उसमें आपको इनविटेशन आता है नेक्स्ट है आपका जो पर्सनालिटी है वो बहुत प्लेजेंट होना चाहिए एज आई सेड आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए बट साथ ही साथ आप, आप ना ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो सकते हो बट आप अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो सकते हो एट द सेम टाइम यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि वो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे आप उनको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनको आंसर करो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत पॉजिटिव हो बहुत प्लेजेंट हो, हो साथ में आप स्माइल करो तो अगर इफ यूर समबडी हु इज वेरी शाय तो आप ये जो इंटरव्यूज है आप इनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो बिकॉज जब वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपके एक फेस पे कॉन्फिडेंस प्लेजेंट स्माइल सब कुछ होना चाहिए तभी वो आपको सेलेक्ट करते हैं नेक्स्ट इज क्या आपको कोई भी फ्लाइंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना चाहिए बिफोर यू अप्लाई फॉर अबिन क्रू जॉब उसका आंसर है नो no. मैंने एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया था बिफोर आई स्टार्टेड फ्लाइंग बट वो मेरी लाइफ का एक बड़ा रिग्रेट था क्योंकि उसमें वो बहुत पैसा मांगते हैं आपसे आप एक डेढ़ लाख रुपए उनको देते हो बट आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ इट आज के टाइम पे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन मेरे टाइम पे इतना कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी कोई बताने वाला नहीं था दिस फील्ड वॉज वेरी न्यू आज से ग्यारह बारह साल पहले तो उस टाइम पे इस करियर में एंटर करने के लिए एक थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है बट आज के टाइम पे अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए यू कैन गो ऑनलाइन एंड यू कैन फाइंड मल्टीपल थिंग्स आप यूट्यूब के थ्रू अपने स्किल्स पर काम कर सकते हो फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन देख सकते हो इंटरव्यू देख सकते हो तो यू विल गेट ऑल योर आंसर जो लोग इंस्टीट्यूशन में सिखाते हैं तो कोई जरूरत नहीं है अपना पैसा खराब करने के लिए डू नॉट वेस्ट योर वन एंड हाफ लैक्स इन दैट इंस्टीट्यूशन अगर आप ज्वाइन करने का सोच रहे हो मत करो अपनी पर्सनैलिटी पे अपने कम्युनिकेशन पे काम करो अपने

योर वैलिड पासपोर्ट येस तो मैंने आपको पासपोर्ट का क्राइटेरिया ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया अभी कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं भी है देन यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर इट और जब तक आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी तब तक आपका पासपोर्ट आपको मिल जाएगा सो यू डोट हैव टू वरी अबाउट दैट तो अभी भी आपके पास टाइम है यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर योर पासपोर्ट सो मैंने आपको आज के वीडियो में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको किस चीज पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको सब बताया है आज के वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे का भी प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी फर्स्ट शोर sure. अगर आप लोग चाहते हो मैं किसी और चीज पे भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो नॉलेजेबल लगा हो यूजफुल लगा हो तो देन डू नॉट फर्गेट टू लाइक दिस वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो सोच रहे हैं अप्लाई करने का फॉर अ कब इन क्रू जॉब एंड डो नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग टॉपिक ऑन अ अबिन क्रू लाइफ टेक केयर and bye, -bye.